राधे राधे फ्रेंड्स, मैं बीना पाठक मुरादाबाद से। फ्रेंड्स, आज आपको मानसून ओवरव्यू पार्ट टू बना रही हूँ। वो प्लांट्स आपको दिखा रही हूँ जो सनलाइट में रखे हुए हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने बालकनी का प्लांट इतना बड़ा हो गया था, ये ऊपर रखवाया है टेरेस पर। देखिए कितना बड़ा है, क्रिसमस ट्री है ये। देखिए बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत सुंदर। दो लोग लाए थे पकड़ के, बहुत भारी हो गया है ये, बड़ा भी काफ़ी हो रहा है। देखिए ऊपर कितना सुंदर लग रहा है अब। ये सुंदर सुंदर फूल खिल रहे हैं। देखिए कितना छोटा सा प्लांट है, कटिंग से लगाया था मैंने, तो प्यारे फूल खिल रहे हैं। पर आज एक ही फूल खिला है, वो भी टॉप पर। देखिए बहुत ही सुंदर लगते हैं गुड़हल इस समय खिलते हैं तो। ये कल खिला था फ्रेंड्स, ये भी बहुत सुंदर था, बहुत ही प्यारा। इस पर भी देखिए कितनी कलियाँ आ रही हैं, आज नहीं खिला है इस पर। ये गुड़हल भी बहुत सुंदर कलर का है, ये कल खिलेगा। और ये ओलोमेंडा देखिए, इस पर तो बहुत फूल आते हैं। देखिए कटिंग से मैंने पाइकस लगाया है, कितना अच्छा हो गया है। देखिए छोटे से डिब्बे में लगा दी थी कटिंग इसकी और चल पड़ी है ये। नाग चंपा है, देखिए कितने फूल खिल रहे हैं टॉप पर इसके। ये डबल चांदनी, इसमें भी बहुत फूल खिल रहे हैं फ्रेंड्स, बहुत सुंदर लगती है ये। आज इस गुड़हल पर एक भी फूल नहीं खिला है। देखिए मैरी गोल्ड जाफरी का है ये, अपने आप ही शीट गिर गए थे, प्लांट उगाया और अब इसमें फूल भी खिलने वाला है ये। बोगन बेलिया, ये हमेशा फूलों से लदी फदी रहती है, फूल इसमें बहुत सुंदर फूल हमेशा लगे ही रहते हैं। पुराने हो जाते हैं फिर नए आ जाते हैं। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। ये भी गुड़हल खिल रहे हैं, इस पर भी चार पांच फूल खिले हैं आज। ये देखिए सफ़ेद बोगनवेलिया भी बहुत सुंदर लगती है, खूब फूल आने शुरू हो रहे हैं इस पर। और नीचे जब इसके गुच्छे लटकते हैं बाहर से देखो तो बहुत ही सुंदर लगते हैं। ये देखिए पिंक के गुच्छे भी बड़े होने शुरू हो गए हैं, पहले मैंने आपको छोटे छोटे दिखाए थे, देखिए कितने बड़े बड़े हो गए हैं। बहुत ही सुंदर लगते हैं प्लांट, और जब फूल खिले हों तो कहने ही क्या है, लगता है पूरे बगिया में जैसे बाहर आ रही है।
भी मैंने कटिंग लगाई थी कोलियस की, देखिए यहाँ पर कहीं से भी जरा सी कटिंग लगा दो तुरंत चल जाएगी। इस समय कोई भी कटिंग लगाओ फ्रेंड्स, बहुत आसानी से सारी कटिंग लग जाती है। ये भी सदाबहार कितने सुंदर लगते हैं, देखिए देखिए जाफरी का। ये जूही का है, फूलों से भरे हुए गुच्छे कितने सुंदर लग रहे हैं। देखिए बरगद का भी कितना प्यारा हो गया है, कितना सुंदर लग रहा है। इसमें फिर दोबारा से फ्रूटिंग शुरू हो गई है, देखिए चिड़ियाँ बहुत शौक से खाती हैं इसके फ्रूट्स, पक जाते हैं जब बहुत उस प्यार से खाती हैं। देखिए मैंडविला वाइन में भी आज कितने फूल खिल रहे हैं। बहुत सुंदर लगती है देखने में, इसमें फूल ना भी हों तब भी बहुत सुंदर लगती है। इसके पत्ते होते हैं बहुत ही चमकदार होते हैं और कलियों के तो पूरे गुच्छे आते हैं इसमें, क्योंकि देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। देखिए वेरीगेटेड चांदनी, इसके भी पत्ते बहुत सुंदर लगते हैं और उस पर फूल लगे हों तो कहने ही क्या है। ये देखिए प्लांट उगाया है, ये किसका है मुझे बताना, बहुत ही सुंदर है ये। ये भी है एक मैरीगोल्ड का, गेंदे का, अभी इसमें फूल नहीं आए हैं फ्रेंड्स। मैक्सिकन पिटूनिया कलियों से भरा हुआ, ये बोगनवेलिया सफ़ेद वाली कितनी सुंदर लग रही है। ये देखिए मेरे संतरे के प्लांट में फ्लावरिंग शुरू हो रही है, संतरे का प्लांट है ये फ्रेंड्स। पिछली बार इसमें एक संतरा आया था, बहुत छोटा सा था ये पिछले साल, अब बड़ा हो गया है थोड़ा। ये मेरी टुकुमा बाइन, देखिए कितने फूल खिल रहे हैं सुंदर सुंदर, बहुत ही प्यारी लगती है कलियों से भरी हुई। और ये देखिए फ्रेंड्स बैगन आने भी शुरू हो गए हैं। बैगन की मैंने पूरी अपडेट दिखाई है फ्रेंड्स आपको, सीडलिंग से लेके अब तक। देखिए बैगन आने शुरू हो गए हैं, सारे प्लांट्स में आ रहे हैं बैगन। देखिए बहुत ही खुशी होती है जब हम मेहनत करते हैं और कामयाब होते हैं। और ये देखिए फूलों से भरे हुए, नाइन ओ क्लॉक कितने सुंदर लग रहे हैं। बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, घटाएं आ रही हैं फ्रेंड्स, किसी भी टाइम बारिश हो सकती है, बीच बीच में धूप भी निकल आती है, लेकिन घने बादल भी आ रहे हैं। कितने सुंदर लग रहे हैं। गुलाब भी खिल रहे हैं, देसी गुलाब छोटे छोटे हैं इस समय। ये देखिए पाइप में, ओके फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए
और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे फ्रेंड्स।